शुरुआत ऐसी होगी भला वो कुछ क्रिएटिव कैसे लिख सकते। खैर मेरी बात उसे और अंतर से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। मैं एक राइटर हूँ, कहानीकार, कहानियां लिखता हूँ। एक राइटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसे एक ऐसी कहानी लिखनी पड़े जिसके लिए ना तो उसके पास कोई ख्याल हो और उस काम से मिलने वाली रकम वो पहले चट कर गया। अगर ले देकर कुछ हो तो वो डेडलाइन। वो इसलिए क्योंकि जितनी उधारी मैं ले सकता था और जितने लोगों से ले सकता था वो मैं ले चुका। प्ले का नाम है खिड़की और एक कहानी है उन लोगों के लिए भी, उनको बड़े पसंद आएगी जिन्होंने बचपन से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, जिन्हें कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, जिन्हें नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, जिन्हें शायरी का शौक है। आप जब से आए तब से एक ही रट लगा रखी है, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आप, क्या सही कह रही बताओ। किरदार मेरा जो है वो एक राइटर है जो प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहता है। और चूंकि किराए के लिए पैसे नहीं है, काम बहुत अच्छा है उसका चल नहीं रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं उसके साथ, गुर्बत के दिन काट रहा है। आई एम ए प्रोफेशनल राइटर, मैं इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वेदिका। और वेदिका एक ऐसी लड़की है जो एक राइटर का ख्याल है कि वो उसे कैसे इमेजिन करता है। मैं इसे प्ले कर रही हूँ। वो तो बस एक अंदाजा था, मैंने तुक्के लगाए थे, मैं बोल रहा था ना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने बस एक अंदाजा लगाया था, एक इत्तेफाक था वो और वो वैसा हो गया बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो सच था, सब कुछ सच था। तुम बताओ तुम्हें कैसे मालूम, किसने बताया? तो मैं अपने प्रोफेशन की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सच में, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। फिर मैं वो तो बस एक इत्तेफाक अंदाजा था। इत्तेफाक अंदाजा नहीं हो सकता, उसका एक एक शब्द एक एक लफ्ज़ सच था। मैं कान पे विश्वास नहीं करती, मैंने तुम्हें बताया था ये बात। Subscribe our official YouTube channel and kindly visit our website www.delhitheatre.com. Stay tuned with us on Facebook, Twitter, LinkedIn at delhitheatre. For any queries, contact us 9211666780 on WhatsApp, Line, Viber and WeChat. Or you can also download our official Android app from Google Play Store by the name of delhitheatre.